الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات محترم, محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خاص طور پر جو موضوعات جن پر بات ہونی چاہیے ان میں سے ایک موضوع آج ہمارے اس خطبہ جمعہ کا عنوان بھی ہے. اور عنوان کچھ یوں ہے کہ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالی کی تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا گیا ہے وہ حضرت انسان کو کیا گیا ہے, سب سے بہترین مخلوق. اس بہترین مخلوق میں بھی سب سے اونچے درجے کے جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, پسند فرمایا ہے اور انہیں درجہ نبوت سے سرفراز کیا ہے. یوں سمجھیے کہ یہ اعلیٰ ترین لوگ ہیں. ان کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس کا اختتام ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو تمام نبیوں میں بھی سب سے افضل ہیں. انبیاء علیہ السلام سب سے افضل,
और फिर तमाम नबियों में सबसे बड़ा दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद इस कायनात में अल्लाह ने जो सबसे बेहतरीन लोग पैदा किए हैं, सबसे बेहतरीन, उन्हें अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बनाया है। मैं ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बात नहीं हो रही। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद इस कायनात की सबसे ऊंची मखलूक, सबसे बेहतरीन लोग ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, और इनकी ये फजीलत क्यों है? इसलिए कि हालत ईमान में इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी में ज्यारत की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के मिशन का हरावल दस्ता बने, और हर मुश्किल आसानी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है। इसीलिए अल्लाह ने इन्हें वो दर्जा अता फरमाया जो अब कायनात में मजीद किसी को अता नहीं हो सकता। सैकड़ों हजारों वली और कुतुब और अब्दाल आपस में मिल जाएं और इनके दर्जों को जमा किया जाए तो एक सहाबी का दर्जा नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के अल्फाज हैं, ला तसुब्बू असहाबी, देखो मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना, इसलिए कि तुम में से अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर ले तो मेरे किसी सहाबी के एक मुट्ठी अनाज खर्च करने के बराबर भी नहीं हो सकता। ना किसी के पास ओहद पहाड़ जितना सोना है, और अगर बिलफर्ज हो भी तो वो सारे का सारा सदका करने की हिम्मत नहीं रखेगा। लेकिन अगर फर्ज करें कि इतना सोना पहाड़ के बराबर किसी के पास हो भी गया और उसने उसे खर्च भी कर दिया तो भी किसी सहाबी के एक मुट्ठी अनाज सदका करने के बराबर नहीं हो सकता। ये इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का दर्जा है। फिर इन्हीं के बारे में कुरान मजीद में जितनी आयात आई हैं आप ये अंदाजा लगाएं, बाज़ उलमा ने इनको जमा किया अजमत सहाबा की आयात, और बाज़ हज़रात ने तो कई सौ आयात जमा की। यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू से जो आयत शुरू हो रही है वो है तो आम और क़यामत तक के ईमान वालों के लिए है, लेकिन इसमें ये देखना होगा कि ईमान वाला कौन है और कौन नहीं, जबकि सहाबा के बारे में तो कुरान मजीद ने फैसला कर दिया कि अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ईमान लाने का इस्तियारा ये सहाबा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, ऐसा ईमान लाओ जैसे ये ईमान लाए, इनके नक्शे कदम पर चलो, इनकी इत्तबा करो, इनकी पैरवी करना सीखो। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए जो इन सहाबा को मानने वाले हैं, जो इनसे मोहब्बत करने वाले, जो इनकी इत्तबा करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा तो सितारों की मानिंद हैं, भी अय्ये मुख्तदैतुम इहतदैतुम, तुम इनकी इक्तदा करोगे, पैरवी करोगे, हिदायत पा जाओ। मालूम होता है कि सहाबा की पैरवी हिदायत है, सहाबा की इत्तबा का रास्ता जन्नत का रास्ता है। और इसी तरह वो लोग जो सहाबा की पैरवी करने के कायल ना हो उनके लिए तो कुरान मजीद ने कह दिया, जब इन्हें कहा जाता है ईमान लाओ, वैदा किला लहुम आमनु कमा आमन नास, जैसे ये लोग ईमान लाए, जैसे सहाबा ईमान लाए, इनकी पैरवी करो, इनकी इत्तबा करो। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, कहते हैं हम ऐसे ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ ईमान लाए, माअज़ल्लाह। कुरान मजीद ने इन लोगों को जवाब दिया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, याद रखो ये सहाबा के बारे में बदगुमानी रखने वाले खुद बेवकूफ हैं, लेकिन ये इसकी समझ नहीं रखते, इन्हें शऊर नहीं है इस बात। यानी अगर मैं बात को जमा करूं तो हमारे अकाबिर ने इस बात को लिखा कि तुम सहाबा को जैसा समझोगे वैसे हो जाओगे,
तुम सहाबा को मोमिन समझो कि अल्लाह तुम्हें मोमिन बना देगा, तुम सहाबा को ऊंचे दर्जे वाला समझो कि अल्लाह तुम्हें ऊंचे दर्जों पे फाइज कर दे। और अगर खुदा ना खास्ता इसके बरक्स कोई सोच पाई जाती है तो फिर तुम्हारा दर्जा वो खुद हो जाएगा, सहाबा की अजमतों में फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है उसूल के तौर पर कि कुरान मजीद जहां ईमान वालों का तस्करा करता है तो एक सवालिया निशान हो सकता है कि कौन ईमान वाला है और कौन नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें हम सहाबा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, ये 100% इसमें दाखिल हैं, इनके ईमान में शक नहीं हो सकता। और मुफस्सिरीन ने लिखा है उलाएका हुमुल फाइजून, कामयाब वो हैं, उलाएका हुमुल मुफ्लिहून, फलाह पाने वाले वो हैं, उलाएका हुमुर राशिदून, सीधे रस्ते पे चलने वाले वो हैं, उलाएका हुमुल मुमिनून हक्का, हकीकी सच्चे मोमिन वो हैं। इसमें बाद वाले शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो शामिल हो चुके हैं वो सहाबा किराम हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। ये है इन सहाबा की अजमत। और मैं एक बात जोड़ दूं इसके साथ कि अल्लाह ने दीन को बरकरार रखा सहाबा के दम से, अल्लाह ने दीन हम तक पहुंचाया सहाबा की के सबब से, अल्लाह ने उन्हें सबब बनाया। कुरान हम तक पहुंचा है तो सहाबा के दम से पहुंचा, हदीस हम तक पहुंची तो सहाबा के दम से पहुंची। कुरान को जमा करने वाले कौन है? अल्लाह चाहते तो यह काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हो सकता था? नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता। मुख्तलिफ जगहों पर जो कुरान लिखा गया है तो एक ही जगह पे लिख लिया जाता, एक ही जगह पे दो गत्तों के दरमियान बैन दफ़तैन जमा कर दिया जाता, लेकिन ये नहीं हो सका, इसलिए कि ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर जो अल्लाह ताला के दौर में शुरू हुआ, मशवरा देने वाले हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला थे, और फिर उस कुरान मजीद पर उम्मत को जमा करने वाले हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला थे। लिहाजा अल्लाह ने यह पैगाम दिया कि अगर तुम कुरान मानते हो तो फिर इन सहाबा को भी तुम्हें मानना पड़ेगा। यही मामला हदीस मुबारक का है। आप कोई हदीस उठा लीजिए और उसकी सनद पढ़ना शुरू हो, अन फुलान इब्न फुलान, अन फुलान इब्न फुलान, और ये करते 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 सनद पहुंचती है अन अबी हुरैरा था रज़ी अल्लाह ताला अन قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, तो सनद तो फिर चलेगी और चलते चलते सहाबा तक पहुंचेगी। गोया के सहाबा को माइनस करके ये समझें कि कोई हदीस मिल जाए या कुरान मजीद की कोई आयत मिल जाए तो इसका इम्कान ही पैदा नहीं हो सकता। लिहाजा अकीदे के माहिरीन ने इसे लिखा है और इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बात को अकीदा तहाविया में दर्ज किया है कि सहाबा की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अब ये तो एक दर्जा सहाबियत है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया कायनात में उन लोगों को, और ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने कायनात में नबियों के बाद सबसे बेहतरीन दिलों को देखा, सबसे पाकीजा दिल, सबसे खूबसूरत दिल, सबसे मुकद्दस कुलूब को अल्लाह ने लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बना दिया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो ये फजीलत का दर्जा है। 1 लाख और चंद हजार लोग ऐसे हैं, खुशकिस्मत तरीन लोग, जिन्हें अल्लाह ने यह दर्जा सहाबियत अता किया है। और इनमें भी फिर कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनकी बहरहाल बुनियादी फजीलत तो यही है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सहाबियात हैं, लेकिन इससे बढ़कर अल्लाह ने उन्हें एक और फजीलत अता फरमाई, और वह फजीलत यह है कि अल्लाह ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले बैत बना दिया। अब जरा अंदाजा कीजिए कि जहां सहाबा की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, वहां अहले बैत की मोहब्बत तो बदरजाए अतम ईमान का हिस्सा है। और इन अहले बैत की पाकीजगी का ऐलान अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, ये सूरतुल अहज़ाब है और सूरा नंबर भी 33 है और आयत नंबर भी 33 है, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आगाज कहां से हो रहा है, या निसा अन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों,
उम्मातुल मोमिनीन का जिक्र है। लस्तुन्ना का अहद मिन अन्निसा, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। अल्लाह ने तुम्हें फजीलत बख्शी है, अल्लाह ने तुम्हें दर्जा अदा फरमाया है, तुम्हें अज़वाज मुतहरात बनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम्हें ईमान वालों की माएँ करार दिया है। इन तकैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाली हो, फला तखदअना बिलकौल, तो दबी जुबान से बात ना किया करो। फयतमा लजी फी कल्बिही मरदुन वकुलना कौलन मारूफा, तो ऐसा ना हो कि कोई शख्स दिल की खराबी में मुबतला हो तो किसी लालच में आ जाए, और बल्कि साफ और सीधी बात किया करो। ये सारा खिताब किससे हो रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर टिकी रहना। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, और देखो ये पुराने जो जाहिलियत के तौर तरीके से इनकी जेबो जीनत इख्तियार न करना। वाकिम न सलात, और नमाज कायम करो। वातीन ज़कात, और ज़कात अदा करो। वअतीन अल्लाह व रसूल, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करती रहा करो। ये सारा खिताब किससे हो रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से। और इसके बाद अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, बेशक अल्लाह ने यह फैसला कर लिया है कि अल्लाह अहले बैत से, और अनकुम का लफ्ज है तुम सब जो अहले बैत में दाखिल हैं, अल्लाह तुमसे गंदगियों को दूर फरमा दे, अल्लाह तुमसे नापाकियों को दूर फरमा दे। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह तुम्हें तुम्हारी तत्हीर फरमा दे, अल्लाह तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे, अल्लाह तुम्हारे तकद्दस का इस कायनात में ऐलान फरमा दे। अब यहां यह बात समझने की है कि जिक्र हो जाता अज़वाज मुतहरात का रज़ियल्लाहु तआला अलैहिन्न अजमईन, और साथ जिक्र आ गया अहले बैत का, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लोग। तो एक बात तो इस कुरानी आयत से मालूम हो गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात भी दाखिल है, और अहले सुन्ना वल जमा जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के साथ भरपूर मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह इस मोहब्बत को और बढ़ाए, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से भी उनको अपनी माएं समझते हुए उतनी ही मोहब्बत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बात तो ये समझ आ गई अहले बैत में कौन दाखिल है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात। फिर दूसरी रिवायत आप देखें, वो नजरान के ईसाइयों का वफद आ गया, उन्होंने ईसाइयत के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में उन सवालों के जवाबात भी दिए, और जब ये मामला किसी तरफ लग नहीं पा रहा था तो मुबाहला हुआ, मतलब मुबाहले की दावत आ गई, चैलेंज हो गया कि आओ मुबाहला करते हैं, और मुबाहला ऐसा हो कि एक मुकाबला हो जाए, हम भी अपने घर वालों को ले आए। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में उसके अल्फाज हैं, कुल नबु अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, देखो हम खुद भी आ जाएं, तुम भी आ जाओ, हम अपने बेटे ले आए तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपनी खवातीन ले आए तुम अपनी खवातीन ले आओ, और फिर हम मुबाहला करें, और मुबाहला करके अल्लाह से ये दुआ करें कि जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। ये मुबाहले का मामला तय पा गया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ले जाने के लिए उस मुबाहले में जिन लोगों को चुना है वो कौन है? सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, और हसनैन करीमैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, जन्नत के नौजवानों के सरदार सैयदा शबाबी अहले जन्ना, इन्हें चुना है। और नजरान के ईसाइयों ने उन अपने पादरियों से यह जिक्र किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हजरात को लेकर मुबाहले के लिए आ रहे हैं, तो उन पादरियों ने अपने लोगों को समझाया ये बड़े पाकीज़ा और मुकद्दस लोग हैं, इनको चैलेंज न कर बैठना वरना अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाओ। तो असलन वाकया तो तारीख की किताबों में यही है कि मुबाहला कर ही नहीं सके, शर्मिंदा होकर वहां से माफी मांगकर वहां से फरार हो। तो यहां भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया है एक एतबार से कि अहले बैत में कौन कौन शामिल है। कुरान मजीद से हमने देख लिया अज़वाज मुतहरात शामिल हैं,
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हजरत अली भी हैं और हजरत फातिमा भी हैं रजी अल्लाह तआला अन्हुमा और हजरत हसनैन करीमैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा भी अहले बैत में शामिल। इसी तरह जब सूरह अहज़ाब की ये आयत उतरी है तो ये बाकायदा रिवायत मौजूद है, और इसको रिवायत करने वाली कौन है, वो खुद हजरत आयशा है रजी अल्लाह तआला अन्हा, कि जिस वक्त ये आयत मुबारक उतरी है आयत तत्हीर जिसे हम कहते हैं सूरतुल अहज़ाब में, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी चादर में ले लिया, फिर सईदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आई तो उन्हें अपनी चादर में ले लिया, और फिर हसनैन करीमैन आए तो उन्हें भी अपनी चादर में लपेट लिया, और फिर कहा अल्लाह तआला से ये मुनाजात की कि अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तो जो इनसे मोहब्बत करे या अल्लाह आप भी उनसे मोहब्बत फरमाइए। मालूम हुआ कि इन अहले बैत अतहार की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इसी तरह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखना कुछ लोगों को जन्नत में दाखिल कर देगा, और मेरे अहले बैत से बुग्ज रखना इन लोगों को जहन्नम में दाखिल करने का मुझे बन गया। तो बिला शुबा इसमें कोई शक नहीं कि अहले सुन्ना वल जमाआ से ताल्लुक रखने वाले सब हजरात, वो सब के सब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से भी मोहब्बत रखते हैं, और फिर अहले बैत अतहार से तो बदरजाए अतम मोहब्बत रखते हैं, और ये इस मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, और फिर इन इस मोहब्बत में भी एक खास मोहब्बत का एहतमाम है इन दो नौजवानों से जो बारगाह नबूवत के शहजादे हैं, हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। जाहिर है इनसे मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। बड़ा आपको मायूब लगेगा अगर मैं अभी आपसे गुफ्तगू करता करता अपने मिंबर से उतरूं और उतर कर जो है ना मस्जिद से बाहर निकल जाऊं और कुछ देर के बाद वापस आऊं तो यहां चह मगोइयां शुरू हो जाएंगी कि पता नहीं क्या मामला हुआ, पता नहीं क्यों उठ के चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए मिंबर से उतरते हैं और उतर कर नमाजियों के दरमियान से निकलते हुए मस्जिद नबवी से बाहर चले जाते हैं, और दरवाजे पर सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु छोटे से बच्चे हैं सब वो खड़े हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रजी अल्लाह तआला को अपनी गोद में उठाते हैं, उठाकर वापस मिंबर पे आते हैं और मिंबर पे बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ इशारा करते हैं और फरमाते हैं ये मेरा सरदार बेटा मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों के दरमियान में सुलह कराएगा। ये शान है हजरत हसन रजी अल्लाह तआला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाते हुए सजदे में गए और सजदा लंबा हो गया। बाद सहाबा ने रिवायत किया कि हमें गुमान हुआ कि शायद शायद अल्लाह ना करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस सजदे की हालत में अपने पास ना बुला लिया हो, इतना तवील सजदा हो गया। और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप उठे सजदे से, फिर आपने नमाज मुकम्मल फरमाई, फिर आपने सलाम फेरा, तो जब सलाम फेरा तो हमने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ठीक हैं, इतने इतने तवील सजदा हो गया, क्या मामला हुआ? का हसनैन करीमैन आए थे और जब मैं सजदे में था तो मेरे ऊपर सवार हो गए, और जब तक वो उतरे नहीं मैं सजदे से उठा नहीं। और मुस्नद अहमद में रिवायत है, रावी कौन है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में जरा, क्योंकि इससे परेशान हूं। बहरहाल मुस्नद अहमद की रिवायत, और रिवायत है कि एक सहाबी हैं और वो रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला आए, या एक रिवायत है हजरत हसन रजी अल्लाह तआला आए और जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बोसा दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान बाहर निकाली और हजरत हसन और हजरत हुसैन ने भी अपनी जुबान बाहर निकाली और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जुबान पर बोसा दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह मैं इनसे बड़ी मोहब्बत रखता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रख। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। ये रिवायत बड़ी अच्छी लगती है हमें और हमें इस रिवायत से बड़ी मोहब्बत है और इस रिवायत के रावी से भी उतनी मोहब्बत होनी चाहिए। इस रिवायत को जो हसनैन करीमैन की शान में है इसके रावी हैं हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। कभी अपनी किताबें हमें खोल के पढ़नी तो है ना,
ये दोनों ये जिनके बारे में हम आज गुफ्तगु करते नहीं थकते कि पता नहीं क्या इख्तिलाफात थे, ये तो आपस में इतने शीरो शकर थे और आपस में एक दूसरे की फजीलतें बयान करने वाले थे और एक दूसरे से मोहब्बतें रखने वाले लोग। ये पता नहीं कहां से 1450 साल बाद वालों को याद आया कि इनके इख्तलाफात और तनाजियात और मुशाजरात पे गुफ्तगु करना ऐन सवाब का काम है। ऐसा नहीं है, इनकी बाहमी मोहब्बतों को बयान करना अहले सुन्ना का तर्ज अमल है और वो मोहब्बतें खुली किताब की माने हैं। कभी आप हदीस को खोले हैं, कभी आप इनकी इन रिवायात को पढ़े तो मालूम होता है कि कहां इनके दरमियान में कैसी मोहब्बतें थी। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को आकर किसी ने कह दिया कि सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला ने कहा है उमर तो हमारे गुलामों में से है। असल में तो कबीले की बात हो रही थी, कहां बनू हाशिम है और कहां उमर का कबीला, तो एक बात ऐसे हो गई कि भाई वो तो हमारे गुलामों में से। कहने वाले ने आकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से कहा कि वो तो आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला। तो हजरत उमर ने कहा फौरन वापस जाओ और हुसैन से किसी कागज पर ये लिखवा कर ले आओ, इसलिए कि हुसैन की गुलामी कयामत के दिन उमर के लिए अजर का बायस बने। रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमाईन, ये इन हजरात की बाहमी मोहब्बतों का मामला है। तो हसनैन करीमैन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और इनके साथ जो जुल्म हुआ है, सिर्फ हजरत हुसैन के साथ नहीं, हजरत हसन के साथ जुल्म है। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला को जहर देकर साजिशें करके शहीद किया गया और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का मामला तो वाकया करबला में जैसे जिस अंदाज से उन पर जुल्म हुआ है, जैसे उनके खानदान को तह तह किया गया, कौन सा अहले सुन्नत में से एक शख्स होगा जो ये कहे कि मुझे इसका दुख नहीं है? कौन है? जहां दुख हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की शहादत का है, जहां दुख सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की शहादत का है, जहां दुख सैयदुश्शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला की शहादत का है, वहीं दुख हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत का भी और हजरत हसन की शहादत का भी रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमाईन। मैं तो सख्त बात कह दूंगा लेकिन बहरहाल मेरे नजदीक तो अहले सुन्ना में वो शामिल ही नहीं है कि जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत न रखने वाला हो, और वो भी अहले सुन्ना में दाखिल नहीं है जो मुआविया बिन अबी सुफयान रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत न रखने वाला हो। अहले सुन्ना का मनहज तो एतदाल का मनहज है, अहले सुन्ना का मनहज तो तवाज़ुन का मनहज है, अहले सुन्ना का मनहज तो मोहब्बत का मनहज है, नफरतों का नहीं है। इन सारे सहाबा से मोहब्बत रखना, आखिरी सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 108 हिजरी में फौत हुआ है, मुझे नाम नहीं पता उसका, मैं उस शख्स से भी मोहब्बत रखता हूं, ये मेरे ईमान का हिस्सा। यही अहले सुन्ना का तर्ज अमल है। और बहरहाल मैं हमेशा अर्ज करता हूं, इशारा करता हूं, मुझसे वक्त नहीं है, मेरे नजदीक राफिजियत जितना बुरा फितना है, नासबियत भी उतना ही बुरा फितना है, और इसमें एतदाल का मनहज सिर्फ अहले सुन्ना वल जमा का मनहज है, जो तवाजुन का मनहज है, इसी को इख्तियार करना क्यामत के दिन निजात का सबब है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और बहरहाल ये कि दुख है और दुख रहेगा, रहती दुनिया तक रहेगा, लेकिन दुख का मामला क्या है कि यानी जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसकी सीरत को पढ़ें, उसकी अजमत को बयान करें, उसकी जिंदगी को सीखें और जिंदगी को सीख कर अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। मैं नीयत पे शक नहीं करूंगा लेकिन अगर मैं सारा साल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का दम भरता रहूं तो भरता रहूं, लेकिन सिखा के वो मुझे क्या जाना चाह रहे हैं कि तलवारों के साये में खड़े होकर भी तुम्हारी नमाज कजा न होने पाए। तो मोहब्बत जुबानी तो रहे लेकिन यह कि नमाजें सारा साल कजा होती रहे और फजर सो के गुजरती रहे तो फिर वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं है। सबक तो शहादत हुसैन का ये था कि जो निज़ाम अल्लाह का अता किया हुआ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन का कायम किया हुआ है, उस निज़ाम की हिफाजत के लिए जान भी देनी पड़ती है तो दे दो। असल सोग मनाना है तो ये मनाइए कि वो निज़ाम आज हमारे पास नहीं है जिसकी हिफाजत के लिए हजरत हुसैन ने जान दी है। सोग इस बात का है,
بلکہ سوگ اس بات کا ہے کہ اس نظام کی غیر موجودگی میں ہمیں اس نظام کے نہ ہونے کا دکھ ہی نہیں ہے, اس دکھ پر سوگ منانے کی ضرورت ہے. اور میں یہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نہیں کہہ رہا, ابھی یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ شہادت کا دن گزرا, پھر 18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن گزرا, میں تب بھی یہی کہتا رہا ان کی عظمتوں کا بیان اور ان کی زندگیوں کو سیکھنا یہ اصل میں ہمارا کام ہونا چاہیے, اور ان زندگیوں سے سیکھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنا یہ اصل کام ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس بحث سے نکلیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 26 تھی یا یکم تھی. بھائی جس کو 26 سمجھ میں آئی ہے 26 کو منا لے, جس کو یکم سمجھ میں آئی یکم کو منا لے, لیکن بہرحال یہ کہ ان کی زندگی سے کچھ سیکھ کر اپنی زندگیاں بدلنے کی کوشش کر لیں, ان کی اتباع کو اپنا شعار بنا لیں, تو انشاءاللہ ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ان کے پیچھے جنت میں پہنچ جائیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.